safe. मुझे अच्छा लगता है आपका ये उत्साह देखिए, इसको बनाए रखें। इसका एक बड़ा श्रेय आपके प्राचार्य महोदया जो है, उनसे मैं पिछली बार मिला था, उनका जो सहयोग है, उनका जो मार्गदर्शन है, साथ ही साथ आपके जो और शिक्षक हैं जो आपकी रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी इसमें सहयोग करते हैं, तभी आप एनसीसी के लिए समय निकाल पाते हैं। और उसके बाद आपके जो एएनओ साहब हैं डॉक्टर आदर्श, इनके बारे में तारीफ जितनी मैं करूं कम है। ये आपके लिए आदर्श नाम ही नहीं से नहीं, काम से भी आदर्श नहीं है, और मुझे यकीन है कि आप इनसे प्रेरणा लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ यूनिट के सीओ साहब कविता फोगट और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, ये दर्शाता है कि आप सब रुचि ले रहे हैं और आपका सहयोग दिया जाए। मैं आज यहाँ बाड़मेर में एनसीसी गतिविधियों के वार्षिक निरीक्षण के लिए आया हूँ। इसके दौरान हम जिन इंस्टीट्यूट्स में एनसीसी चल रही है वहाँ का भी भ्रमण करते हैं। आज इस राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि विद्यालय और एनसीसी यहाँ दोनों एक साथ ही प्रारंभ हुए हैं, और एनसीसी का इस विद्यालय के प्रगति में बहुत योगदान है। यहाँ पे गतिविधियों का संचालन
जो ANO है कैप्टन आदर्श, उनके द्वारा बहुत अच्छी तरह किए जा रहा है। विद्यालय का प्रशासन बहुत ही सहयोग दे रहा है, साथ ही साथ जो युवा NCC में है उनका उत्साह देख के बहुत ही खुशी मिलती है। यही लोग आगे देश के अच्छे नागरिक बने, अच्छे काम करें, क्षेत्र के विकास में सहयोग दें, यही मेरी आशा है। जैसा कि मैंने बच्चों को संबोधित करते हुए बोला, अनुशासन, आत्म अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, और मेहनत, इनकी कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहूँगा ये बच्चे कंपटीशंस एग्ज़ाम में बैठें, पार्टिसिपेट करें, सेलेक्ट होते हैं नहीं वो दूसरी बात है, सपने अपने बड़े बनाएं, और फिर दोहराऊँगा अपनी मेहनत और अनुशासन, ये दो चीज़ें इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि NCC द्वारा सिखाई भी जाती है।